अब करीब पहुंच गया झूठ खेल रहे हो क्या आप लोग? इतना विकल्प नहीं आता आप पेपर में जितना आप लोग बता दिए। इसमें इंग्लिश कोई यदि आता है इंग्लिश कोई नहीं यदि आता है नहीं इंग्लिश कोई नहीं टिक लगाइए आप लोग। 7 अप्रैल 1948 में वह तक रहे 7 अप्रैल 1948 में सर्वोच्चों की स्थापना जो है इसका मुख्यालय कहा है जिनेवा सेटरमेंट कहा होता है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। अगर विकल्प दो में से एक मिलेगा तो दोनों आपके सही है लेकिन अगर दोनों दिया रहेगा क्या लिखा हो कहा जाओगे जिनेवा में जाओगे स्विट्जरलैंड में जाओगे? हाँ जिनेवा में सही बात है। तो ये क्रिटिकल हाईएस्ट और मीडियम तीन प्रकार के कैटेगरी बनाए हैं इन्होंने ठीक है। तीन कैटेगरी में 19 प्रकार के फंगल इंफेक्शन जो है उसको इन्होंने सूचीबद्ध किया है। इतना मोटा मोटी समझो बाकी इसमें बहुत दिए गए हैं कई प्रकार ना? नाम बता नाम लिखा दे क्या अब सोच रहे हैं पिछले शनिवार को जो पढ़ाए थे पिछले कुछ देखे याद आता है आप लोगों को कि नहीं? दो तीन क्वेश्चन का आप केवल हमें बता दीजिए आंसर ठीक है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता बताइए थोड़ा जोर डालिए आप लोग। ये पिछले सतारे को पढ़ाया गया था ना ये एक प्रश्न पूछे थे और उसका जवाब पहले पैर की भूल गए तो बताया सातला है सातला बोल दिया समझ गए विकल्प में सातला है चाहे कैला सातला है लेकिन केवल एक प्रश्न भेजने में केवल आप ही अकेले है। जब पुरुष किसे कहा जाता है डॉक्टर राजेश सिंह डॉक्टर आने वाले हैं इनको रेवन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था बताइए? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कब दिया गया था? और स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अभी उनकी मृत्यु हुई है अभी जल्दी तो हुई है 2-3 दिन हुआ बोला जाता है जमशेद ईरानी जो है ठीक है जमशेद टाटा तो इनको बोला जाता है स्टील मैन। और आयरन मैन तो अभी जब समझ ही रहे तो अभी कुछ कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रीय एकता दिवस है 31 अक्टूबर
चौथा था संस्करण ये अभी बनाया गया चौथा संस्करण कब से शुरुआत हुई थी बताइए कोई चौदह कह रहा है कोई सोलह कह रहा है कोई पंद्रह कभी कभी अभी अभी कंफ्यूज हो जाते हैं गलत नहीं पढ़ लिए जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई ठीक है एक मोटा मोटी हिसाब समझो वो सभी पर्वों को साधने का काम किया ठीक है जो भारत की स्वतंत्रता में जिनका अहम रोल रहा है योगदान रहा है ठीक है उनको याद किए ठीक तो ये नवा संस्करण राष्ट्रीय एकता दिवस जो आरंभ में बोला जाता है लौह पुरुष कहा जाता है किस कारण से लौह पुरुष कहा जाता है बोलिए सर उनके दृढ़ निश्चय और बिना किसी औजार के उन्होंने एकीकरण कर दिया था ना 562-64-65 जो रियासत थी 65 थी यही जो दृढ़ है वही सब मतलब दृढ़ निश्चय थे इसे लोहार जल्दी से नहीं रिजिट होता ना ठोस होता है हाँ प्राथमिक विद्यालय में जो पुस्तकें चलती है अच्छा अच्छा अब तो उसका नाम कलरों के नाम से चलता है कलरों तो उसमें महात्मा गांधी और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है ये दो चार नाम है उसमें सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू इन लोगों की जीवनी पूरा कथा दिखा गया उसमें यह बताया गया है कि उनके या आंखों के ऊपर कुछ घोड़ा टाइप निकला है और निकलने के बाद कितना दृढ़ निश्चय थे कई लोग नहीं होते घोड़ा सुस्ती होता पेड़ लेकर चीर देते अपने यहाँ आज तो बहुत लोग पुरुष बन जाएंगे आज के डेट में काम धीरे कर मिलेगा क्यों सही है नहीं है अब लेकिन उसके अलावा उनका ज्यादा योगदान था उनको वो चीज मिला इसलिए वो नाम छोड़ दिया गया दृष्टि चाहिए कहते हैं और बिना किसी लाठी औजार रक्का बंदूक के जितने रियासतें थी सबका जोड़ दिया एकीकरण कर दिया ये था 2001 में डॉक्टर राजेंद्र सिंह को लिख लीजिए आप चाहे तो डॉक्टर राजेंद्र को वाटरमैन कहा जाता था वाटरमैन ऑफ इंडिया वाटर बर्ड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है या लिखिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटर बर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है या चक पुरुष कहा जाता है इनको 2001 में रेवत मैग्सेसे पुरस्कार मिला ठीक है 2015 में स्टाफ होम एक पुरस्कार हुआ था उस देश का वो उन्होंने पुरस्कार 2015 में लिए हाँ 2015 वो पुरस्कार का नाम था पर लिखा दे रहे हैं स्टार्ट होम जन पुरस्कार 2015 स्टार्ट होम की बात हो रही तो उसी देश के द्वारा दिया गया है 2015 में मिला है इनका एक एनजीओ है ना तरुण संघ के नाम से इनका एक एनजीओ तरुण भारत संघ अभी कभी याद आया कि तरुण भारत सब ये इसकी स्थापना किसने किया है तो क्या लिखे गया डॉक्टर राजेंद्र सिंह 1975 है तरुण भारत सब की स्थापना 1975 में भारत
कि जब पुरुष मतलब अगर मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा किया है के द्वारा किया गया था, इनको रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2000 कब मिला था? 1 में। ठीक है, स्टार और जग जग पुरस्कार इनको 2015 में दिया गया था। स्टार और जग पुरस्कार 2015 में मिला था। स्टार को इनको मिला था। ये राजस्थान अलवर जिले के रहने वाले हैं, आपके राजस्थान अलवर जिले के रहने वाले। तो ये कपड़े करोड़ नहीं बड़ा खाली कोई ऊपर आ रहा हो गया जब वाटर मैन हो गए, आयरन मैन हो गए, स्टील मैन हो गए और टाइगर की स्थापना मैन हो गए, तो वर्ड मैन कौन है? सलीम अली। इनका पूरा क्या नाम है? डॉक्टर लगा के पूरा हो गया डॉक्टर को वो छोड़ लीजिए डॉक्टर ने पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली। मुंबई में इनका जन्म हुआ था। और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट जंगल जंगल मैन ऑफ इंडिया। भारत के जंगल पुरुष किसे कहा जाता है? लिख लीजिए जादू कोलाई पाए, असम के है, ये असम की असमिया नाम है। जादू कोलाई पाए देखिए फॉरेस्ट मैन इंडिया जादो मोलाई पा एक, ये असम के रहने वाले हैं। अच्छा, इनको कुछ होने का पुरस्कार भी मिला होगा, पद्मश्री मिला है 2015 में। कभी कभी आ नहीं जाता है ये इसमें से कितने लोगों को पद्मश्री मिला है, सुमेलित करने के लिए मिला करने के लिए आता है ना, इनको पद्मश्री जो है 2015 में मिला है। ठीक है, खत्म हो गया।
चौथे नंबर पे है ये बताइए बताइए अब इसका पहला कौन सा है अटलांटा वाले साथ हो जाए भाई बाकी लोग बताइए बताइए दूसरे नंबर पे दुबई का जो आप बता रही हो वो दूसरे नंबर पे है अभी अपना जो आया है इसका विश्व में दसवां नंबर है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पहला वाला जो बता रहे हैं अटलांटा का है और दुबई का दूसरे नंबर पे है दुबई का दूसरे नंबर पे है 2019 में इसका क्रम कौन था इंदिरा गांधी का चौथा क्रम था क्योंकि करंट में करंट तो पूछता ही है बैंक भी पूछता है वो तो जाहिर है पेपर में छप रहा है पढ़ रहे होंगे परीक्षा 2019 में इसका 14वां नंबर था इंदिरा गांधी का ना सबसे बेस्टतम में 14वां नंबर था अभी इसी 27 से 28 अक्टूबर को इसका 10वां नंबर आया है 10वां नंबर आया सबसे बेस्ट और एक का आया आपका ना नेता की सुभाष चंद्र बोस और एक का कहा है अच्छा मतलब एक चंडीगढ़ वाला होता है लेकिन पंजाब में भी है चंडीगढ़ वाला हवाई अड्डा का नाम बदला है ना इसके नाम पे है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोस कहा क्या है बोस बोस कौन लिखता है पश्चिम बंगाल में ना तो नाम ने छोड़ दो आगे लगाने को पहुंच जाता है बोस पंजाब में कहा पहुंच जाएगा देखिए कुछ चीज ऐसे तथ्य होते हैं उसको आपको कुरलेप करना पड़ेगा जैसे असम का भी नाम आया पायुंग ये तो क्लियर हो गया था यूपी का नाम ये नहीं है नहीं यूपी का नहीं बिहार का भी नहीं है दो चार स्टेट ऐसे हम कर सकते थे यहां ये नहीं तो वैसे कुछ गेस्ट भी लगाया तो गुरु साहब के जाने के और छत साहू जी महाराज ये कहा था अच्छा लखनऊ वाला बता के क्या है अब मौसी भूल जाइए मौसी मौसी नहीं है दोनों की नहीं है ठीक है एक वो चार भाषा में जिसे दो नाम हो जाते हैं ठीक है लेकिन चौधरी चरण सिंह के नाम से है इसके नाम से आपको टिकट मिलेगा कौशिक नाम से नहीं मिलेगा और मिलेगा तो ब्रेकर में आएगा ब्रेकर के अंदर बंद किया टाइम पता लगेगा घर ही वाला गलत हो गया डेली आप जा रहे हो रोड से पक्की पता नहीं क्यों अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में नाम बदला गया है जानते हो क्या नाम रखा गया है अयोध्या में अयोध्या साहब में कोई चौराहा का नाम बदला गया किसके नाम पर रखा गया है भारत की लता मंगेशकर के नाम से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में जो अयोध्या कर दिया गया है उनके नाम से चौक जो है मेन चौक उनके नाम पर रख दिया गया है ये अभी जब ये किए थे योगी साहब
चलिए अब हम लोग हिंदी भाषी है, हिंदी की बात करेंगे यार। विश्व हिंदी सम्मेलन पता हो रहा है, प्रस्तावित है, कहा हो रहा है? फिजी हो रहा है। ये कौन था? है बारवा है। ग्यारहवा था हुआ था ठीक है।
अच्छा विश्व हिंदी सम्मेलन का बोधवाक हर सम्मेलन का ये पहले पहले सम्मेलन के जो 75 में भारत में हुआ था उसका बोधवाक था अपने आप में एकता के लिए क्या बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम इसका बोधवाक विश्व हिंदी सम्मेलन ठीक है। वन लाइनर है दूसरा है सिंगापुर और भारत अभी समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है हा? ये कौन सा संस्करण था सिंबायोटिक किसके किसके बीच होता है भारत और सिंगापुर के बीच होता है ना तो अभी हुआ था रिसेंटली 29वां सिंबायोटिक सहन अभ्यास सिंगापुर और भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया विशाखापत्तनम अच्छा ये क्वेश्चन बताइए किस राज्य में और किसके द्वारा आर्मी में आर्मिकट रेल कॉरिडोर पर योजना की आधारशिला रखी गई आर्मिकट रेल कॉरिडोर पर योजना है सुने अंतरेगी किसके द्वारा और कहां रखी है मैं सुने हो सुने हैं इसके द्वारा तो कैसे सुने हो भूल गए गृह मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था शिलान्यास किया गया था और कहां किया गया अब तो बता ही सकते हो हरियाणा में अभी हरियाणा में हुआ ठीक है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आर्मिकल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला हरियाणा में रखी चलिए अभी फिजी में अभी फिजिक्स चर्चा हो रही थी ना क्या होने जा रहा है तो वही के अपने भारतीय उच्चायोग है जो है अपने भारत के जो उच्चायोग है ये उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है फिजी की राजधानी फिजी की राजधानी क्या है क्या कह रहे हैं फिजी की राजधानी सुवा यही है ना सुवा यही है तो जो अपने यहाँ के दूतावास है कार्य बहुत महत्व है वहां पर ध्यान दो उच्चायोग ने 1 नवंबर से 17 दिसंबर तक कृत्रिम अंगों को फिट करने के लिए कौन सा आयोजन शुरू किया पता नहीं पता ना तो बोले पता ना बताइए नहीं पता है बहुत सरल है जयपुर फुट कैम्प जयपुर फुट कैम्प इसका मतलब यह है कि जो कृत्रिम अंगों वाला जो सवाल बनता है अपने जयपुर में बनता है यही ना जयपुर फुट कैम्प फुट माने पैर होता ही है तो अपने आपके जो भारत के उच्चायोग है वहां है उन्होंने एक कार्यक्रम भी शुरू किया है 1 नवंबर से 17 दिसंबर तक आवाज तेज है पहले नहीं बताया
आधा तो निकल गया। अब बताइएगा, ठीक है, सही है। उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया कि कृत्रिम अंगों को बदलकर और वहां को फिट करा रहे, ठीक है। फिजी में, फिजी की राजधानी सुवा। तीन दिवसीय कोरियाई फिल्म महोत्सव का शुभारंभ कहां किया गया? तीन दिवसीय कोरियाई फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया, किस शहर में किया गया? देखिए ढाका, ढाका, ढाका कहां की राजधानी है? भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सी ट्रेनें चलती है? चलिए ठीक है, अगला हम लोग जो है सुनिए, देखिए। हाल ही में भारत ने किस देश से G20 रिलीजन फोरम की अध्यक्षता हासिल की? किस देश से G20 रिलीजन फोरम की अध्यक्षता हासिल की, बताओगे कोई? इटली, इटली बता रहा है, इटली बता रहा, इटली लिख लीजिए आप लोग। इंडोनेशिया, बहुत अंतर है यार, इटली और लेकिन शुरुआत ही अच्छा तो वही है, स्टार्टिंग तो वही है। हाल ही में भारत ने किस देश से G20 रिलीजन फोरम की अध्यक्षता हासिल की? इंडोनेशिया, नोट कर लिए जी। चलिए, भारत की किस स्टील कंपनी के प्रोडक्ट को भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? टाटा स्टील को प्राप्त हुआ है, आजकल स्टील चल ही रहा है टाटा वाला है, टाटा नमक, टाटा दाल, टाटा चीनी और सब कुछ टाटा का आ रहा है, टाटा रवा, टाटा क्यों, हाँ ये है सुगर फ्री लो, अच्छा ये आयोडीन वाला लो, आयोडीन। चलिए नमक की बात हो गई, आयोडीन नमक कब से कंपल्सरी कर दिया गया बताइए? आयोडीन खाते हो आप बताइए, आयोडीन पहले सिंपल नमक चलता था ना, आप लोग क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री भी अपने घूमते रहते हैं, अरे यार हम लोगों को याद करना पड़ता है ना, है नहीं? कोई दुखद तो हरे ऊपर रोका जाए क्यों, और नहाए रहते हैं जीएस वाले वैसे भी तमाम है। अभी प्रधानमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए
3000 स्लैब्स का शुभारंभ किया है नई दिल्ली। अरे दिल्ली से ले आओ दिल्ली, और फिर बताइए अगर दिल्ली ना आए तो क्या आएगा। नहीं, मामला दिल्ली का ही है, लेकिन दिल्ली ना आने पर अगर पर्टिकुलर प्लेस का अगर कर दिया जाएगा, जिसे हरदोई में आप नुमाइश हो रहा है, लखनऊ चुंगी है, अभी लखनऊ चुंगी हरदोई के निवासी बता सकता है, इसी लखनऊ वाले पीछे लखनऊ चुंगी तो बता जाएगा, पूरा दिन नहीं बता पाएगा। सही बात है ना, अब तो पहली बार खुले चौके लखनऊ चुकी हो फिर यहाँ है, वही याद है दिल्ली में है ये ठीक है, लेकिन वो क्या है बताइए, उसके नाम से ट्रेनें भी चलती है, ये बता दिए, कालका एक्सप्रेस चलती है, है? कालका एक्सप्रेस तो बैठे हो कि नहीं बैठे हो, नहीं बैठे हो, उधर जाती है ना, और इधर भी चलती है, भोपाल से होते हुए झांसी से होकर दिल्ली निकल जाती है, इधर से भी निकल जाती है कालका एक्सप्रेस, तो कालका जी गई इन्होंने शुभारंभ किया, आए दिल्ली की घटना है, आए दिल्ली की घटना, लेकिन अगर कालका आ गया कालका जी तो फिर उस पर गड़बड़ हो जाएगा, क्यों विकास है तो है। प्रधानमंत्री अपने घूमते हैं तो अपने जो पंद्रही राष्ट्रपति कौन है वो भी कम नहीं है, वो भी नंबर लाए लाए घूम रही है, असम गई थी अभी है, अभी हाल ही में इसके द्वारा मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम की राजधानी आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान का वर्चुअल उद्घाटन किया। चलिए कुशल रहा वर्चुअल, बताइए ना तो पहले ही बता दिया, क्या बताओ क्या है अपने राष्ट्रपति महोदय द्वारा है मिजोरम की राजधानी आइजोल में जो मिजोरम विश्वविद्यालय है उसमें इसने वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया, जनसंचार संस्थान का आईसीटी जनसंचार जो होता है उसका उद्घाटन हुआ, ठीक है। अब आ जाइए आप लोगों के लोकप्रिय खेल, लोकप्रिय खेल आपका क्या है, क्रिकेट है ना, अभी 3:30 बजे आ जा रहा है, बिल्कुल क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव जी के नाम सुने होंगे, नाम बनाए हैं नंबर आइए एक एक करके बोलिए, यही कहा जाता है ना पानी जो बाटल T20 लिखा जाता है ना, इसके पहले शुरुआत क्या लिखा जाता था, T20 लिखा जाता था, शुरुआत कब हुई,
2007 इसके किसी के बीच हुआ था ये तो कब शुरू हुआ इससे पहले ये भाई 20 वाला शुरू होता है 2020 वाला 2005 में आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ इसमें आज इंडिया विजय हुआ ये विश्व कप की शुरुआत हुई 2007 ये प्रति विश्व कप जो है 2007 तो अभी के रिकॉर्ड ये तोड़े हैं कौन थोड़ा रिकॉर्ड सूर कुमार ये किसका रिकॉर्ड तोड़े है बाबर आजम को छोड़ के है वो मुझे जो ये आपस में कम चीज हो गया ये सर है आपस में कम चीज हो गया अच्छा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन है विराट कोहली और जब 2007 में इससे किससे हुआ था भारत जब खेला था पहला मैच टी ट्वेंटी का किसके साथ खेला था मैच के रेंजो बताइए साउथ अफ्रीका के बीच भारत और साउथ समय कप्तान वीरेंद्र सहवाग था आप जा ही रहे हैं अब आइए हम लोग एक बहुत बड़ी हस्ती है इलाहाबाद भट्ट इलाहाबाद भट्ट का नाम सुने हैं सामाजिक कार्यकर्ता तो इलाहाबाद भट्ट जो है उनका भी जो रोल है भूमिका है सराहनीय रहा ना इलाहाबाद भट्ट के बारे में हम जानकारी करते हैं इच्छा भी है और सामाजिक कार्यकर्ता ये दोनों है ना और ये अभी जल्दी निधन हुआ है कब हुआ निधन हुआ परसों हुआ ये कहाँ की है बताइए इलाहाबाद भट्ट कहाँ रहने वाली है नाम पे जाइए आपको तुरंत मिल जाएगा बेर कहाँ लगाते हो सीधी बात है गुजरात की है इसे अपने यहाँ राजपाल के क्या नाम है अभी मृत्यु हुई विधान हुआ है दो नवंबर को ऐसा कोई भी पुरस्कार नहीं बचा है
ध्यानचंद और राजीव गांधी छोड़कर सब सब पुरस्कार मिले, पद्म श्री भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, ठीक है, और रेवन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है, और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते तमाम और अनेक कार्यकर्ता मिला है, जो बात कुछ पुरस्कार है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। गांधी की प्राइज उनको मिला है, जबकि गिने चुने अपने इंडिया में पाए हैं लोग, जो इन तीन लोग पाए हैं ना, उनको मिला है गांधी, तो ये बड़ी अच्छी बात है, इनको जरूर याद रखना, ठीक है। देख लीजिए इनको, पद्म श्री 1985 है, पद्म भूषण 1986 है, सबसे पहले रेवन मैग्सेसे पुरस्कार ये पाई थी 1977 में, ठीक है। ठीक है, 1984 को पाई, 1984 में लवलीहुड राइट लवलीहुड ये एक पुरस्कार है, ये पाई राइट लवलीहुड, तो ये मिला है 1984-86 पाती है, पचासी में पद्म श्री को मिली है, पद्म श्री 85 86 में है, इसके बाद 2011 में ये पा रही है, गांधी की प्राइज 2011 में, गांधी की प्राइज ये शिक्षाविद और प्रख्यात शिक्षाविद है, ऐसा हल्के पूछने वाले नहीं है, प्रख्यात शिक्षाविद है, मतलब इनको फारम के कई शिक्षा शास्त्री थे, ये बात आज कोई भी इंफेक्शन हो कुछ पूछना हो तो इनसे सलाह मंजूर करते, मतलब इतना ये प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता, अगर आता है अभी हाल ही में इला ये इला वीर भट्ट का निधन हुआ, उनका संपर्क किससे है, सामाजिक कार्यकर्ता, और वो लिखा रहेगा शिक्षाविद या और दूसरा दूसरा डिपार्टमेंट दिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं, उनको पद्म श्री 85 में 86 में पद्म विभूषण मिला है, गांधी की प्राइज 2011 में मिला है, 1977 में रेवन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, 84 में उनको प्राइड लवलीहुड प्राइज मिला है, ठीक, तो ये पूरा एकदम भरमार है प्राइजों का इनके पास, चलिए थोड़ा सा अपने विरोधी देशों को देख लिया जाए, चीन 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 ने अपने इस देश मिशन का तीसरा और अंतिम सुन रहे हैं, चीन ने अपने इस देश स्टेशन का तीसरा और अंतिम मॉड्यूल लॉन्च कर दिया, इसका नाम क्या है, एनीवन कोई भी
कोई भी बताइए समोसा पर पकड़ हमारी तरफ से ले जाए आप सब नहीं इनमें से कोई बोले ही बताइए आप सब आपसन बनाया आपसन लेकर आया अच्छा पहला बता दीजिए आप तीसरा छोड़िए आप तीसरा मारिए आप गोली पहला बताइए भाई ये तीसरा इसके सबसे राज पार्टी ने राज किया है पहला इसका क्या बहुत दावे यार चौथ बहुत दावे रहता है पहला ही नहीं रहता है अगर आपको पहचान ना हो तो क्या पहला ही नहीं रहता है नहीं सही जा रहे हो गलत नहीं जा रहे हो लेकिन नाम भी वही से होता है उनका ना इसलिए हम कह रहे हैं बताइए पहला बता रहे हो दूसरा बता रहे हैं दूसरा है बेगाटियन है दूसरा बेगाटियन बेगाटियन बेगा अच्छा रिपीट कर हम लिख दे रहे पहला इंग्लिश क्या है यादे है क्या पहला यादे आपको पहले क्या नाम है बताइए आपको कुछ हेल्प करिए भाई हमारा बताइए पहला भाई अच्छा है बेटियन है जो जो बेटियन है इसको कब भेज देते हैं ये तो ये 27 अक्टूबर को भेज दिए 27 अक्टूबर को इसको कब भेज देते हैं 22 अक्टूबर अभी अभी कोई चार है इसी सप्ताह की घटना है तैयार जो भेजे है और ये बेटियन जो भेज देते हैं 24 जुलाई 2022 को 24 जुलाई 2022 उसको भेजे लगातार भेज रहा है चौबीस जुलाई 2022 को तीसरा वाला जो है क्या दे कोर बाडू इसको अप्रैल में भेजा था पिछले साल अप्रैल मतलब अप्रैल 2020 में
या देव पूर्व बाद या देव पूर्व बाद अप्रैल 2021 लिख लिया हम लोग भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के जनरल आफिस कमांडिंग इन चीफ के रूप में इसको नियुक्त किया गया। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के दक्षिणी कमान के जनरल आफिस कमांडिंग इन चीफ इसको नियुक्त किया गया। अरे पीछे बता रहे आप वही अजय बता दो उतार तो बता दो उसी का बस जनरल अजय कुमार सिंह ये किसका स्थान लिया है जनरल अजय कुमार सिंह है जनरल अजय कुमार सिंह का स्थान लिए है स्थान लिए है जो रिप्लेस हुआ है जनरल जे एस नायन ठीक है जनरल जे एस नायन का स्थान उन्होंने लिया है। चलिए अब आप लोग आ जाइए रिसेंटली जो भी चर्चा कर रहे थे कि ये फला 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 स्मारक चालू किया गया करंट वाला सब 1 नवंबर मतलब एक नवंबर 2022 को मोदी जी ने मानगढ़ का धाम सुने हैं ना आप कहाँ है मानगढ़ मानगढ़ धाम ये इतिहास से भी जुड़ा है काफी। मैं गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब होती है बताइए आप लोग। अरे आप लोग भी कुछ पूछिए चार सब एक साथ बैठे सभी आप नहीं बोलते थे अरे पढ़ाई की क्यों नहीं आएगा आप पति होगा दूसरे मुझे बता दिए अवस्था ही बात मानगढ़ धाम ये किस जिले में है ये राजस्थान में है इतना बता दिए आपने किस जिले में है मतलब विकल्प देखकर सही कर दो ये लगा है बांसवाड़ा है कहाँ यही है बदले बांसवाड़ा जिले का एक ये पहाड़ी क्षेत्र है।
और पहाड़ी क्षेत्र, जो ये पहाड़ी क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश और गुजरात का बॉर्डर है, नहीं कि राजस्थान छत्तीसगढ़ गुजरात मध्य प्रदेश का सिरा मिलता नहीं है, है? उसका ये बॉर्डर पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें घटनाएं हुई थी 1913 में हुई थी, 1913 में, मतलब जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे कही जाता है अंग्रेजों के द्वारा हमारे जो सिंध साथी लोग थे, ठीक है, जो गुरभक्त लोग थे, है, उनके जन्म जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए थे इस जगह पर और उनकी हत्या कर दी। ये मतलब ये इतिहास से जुड़ा है, जो अभी गए हैं राष्ट्रीय स्मारक के रूप में मोदी जी ने शामिल किया, इसीलिए शामिल किया है, इसकी गाथाएं भी है, वीर गाथाएं, इसको जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। नवंबर 1913 है मार्क्सिस्ट कुर्बा पर गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए हजारों गुरु भक्तों को ब्रिटिश सेना ने खड़ा कर दिया, मार दिया। आज पे कोई पंडित से ज्यादा समझ में आता है ये साइकोलॉजिकल फायदा, ठीक है, साइकोलॉजी अब शास्त्र है, उसकी अपना से शिक्षा शास्त्र है, उसमें मनोविज्ञान कार्यकारी है, डॉलर है, पावलो है, मूल्य हाल है, ठीक है, तो कोई चीज आदत देते हुए कोरिलेट करते हुए अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक तो थका नहीं, दूसरी बात नींद नहीं, नींद लगती है आप रखे रखे सो जाते हैं, आप इसलिए को रिलेट करते हुए हंसते हुए आनंददायक पूर्वक अगर आप पढ़ते हैं। कहाँ भूले भटके आ गए, कहाँ चल रही थी, अच्छा किस रूप में, कौन ले रहा था, कैसा ले रहे, ठीक, तो मानगढ़ था, मानगढ़ धाम आपके किस जिले में है, कहाँ है, किस घटना के लिए क्या आपको बता दिए, 17 नवंबर 1913, ठीक है, पूर्णिमा थी, पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के जयंती के लिए सभी लोग हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए थे और ब्रिटिश सेना ने, इस कारण से राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया, आपके लोकप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा, भाई अब आपके ऊपर है, हमारे लिए नहीं, चलिए 15 मिनट पे आप लोग 17 क्वेश्चन वाला लाइनर अपलोड कर दिया है, हो सकता है आपके लिए कुछ कर लो, स्टील बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर दिए, स्टील बैंक ऑफ इंडिया का जब से जे ईरानी, ठीक है, ये है, चाहे आप यहाँ एकत्रित कर दीजिए या चाहे मुद्दा आपको ये सजा, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया, बताइए, नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर, नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहा किया गया है, ये सर कहता है इसको तार कितना बात की बात सुनिए, कहा किया गया, ग्रेटर नोएडा, गुड, ग्रेटर नोएडा, ताली बजा दो भाई, चलिए ऐसे तो
तंत्र है। चलिए, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला एक्वा पार्क, भारत का पहला एक्वा पार्क भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। योगी साहब मेरे लायक नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। एक्वा पार्क अरुणाचल, इसको कोरिलेट कर दीजिए। एक्वा इससे कोरिलेट करके जोड़ लीजिएगा, ए है तो हाँ हम बना लेंगे। वहां से अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। चलिए भैया, अभी हाल ही में किसे रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया? बताइए, अभी हाल ही में किसे रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया? पिछले सदन में चर्चा किए थे क्या? नहीं किए थे? रक्षा सचिव मतलब गिरधर अरमाने, हमारा अरमान रक्षा सचिव अरमाने। याद एक चीज याद कर दिए, अरमाने है, ठीक है। रक्षा सचिव के पद पर गिरधर अरमाने जी को पदभार ग्रहण, ठीक है ना। गिरधर, गिरधर किसको बोला जाता है? अभी हाल ही में किसने कोयला मंत्रालय में सचिव, कोयला मतलब काला, कोयला मंत्रालय में सचिव पद पर पदभार ग्रहण किया? बताइए, अमृतलाल मीणा, अमृतलाल मीणा। सही बोल दे रहे। अभी हाल ही में किसने कोयला मंत्रालय में सचिव पद का पदभार ग्रहण किया? अमृतलाल मीणा। मीणा हम लोग रखे हो कभी सर? मीणा रखे हो? मीणा रखे हो कि नहीं? वो बजाने वाला नहीं, वो ढोने वाला मीणा की बात कर रहे हैं। बजाने वाला नहीं, वो ढोने वाला लक्का सुने हो नहीं कहा वाले? यस सर। हम लोग हुए मीणा बात कर रहे हैं। चलिए, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 का दूसरा संस्करण कहा? नेवल, नेवल, नेवला वाला नेवल। बोले अच्छा जी, नेवल कमांडर, नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2022 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है?
भारत की राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है? वही बोला। चलिए, भारत में फुटबॉल खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत में लिखिए थोड़ा फास्ट। सुबह एक सालगांठ हुआ है भारत और फीफा में है फुटबॉल खेलों को बढ़ावा देने कौन सी योजना शुरू किया? फुटबॉल फॉर स्कूल पहल, ठीक है। भारत में फुटबॉल खेलों को बढ़ावा देने के लिए फीफा की मदद से कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? उत्तर लिख लीजिए फुटबॉल फॉर स्कूल पहल। बार बार स्कूल पहल, अरे हमसे पूछो काय बाय पूछो तो जा सब पूछो ना एक रे दस बार काय पूछा। भारतीय पुरुष बैडमिंटन जोड़ी आप दस में हो एक नहीं सुन रहे भारतीय पुरुष बैडमिंटन जोड़ी, ठीक है। एक है सात्विक साईराज और दूसरा है चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज दूसरे है चिराग शेट्टी, चिक चिक करा कर इतना आवाज बिजली है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के हाल ही में कौन सा किताब जीता? फ्राई चोटा कितने ओपन होते हैं? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन का आप लोग बोलते हैं। भारत में आयोजित देखिएगा भारत में आयोजित अंडर 17 मतलब अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड का खिताब किस देश ने जीता? जल्दी जल्दी बताइए। भारत में आयोजित अपने भारत में ही हुआ था आयोजित अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? स्पेन ने। ब्राजील में अभी एक राष्ट्रपति का चुनाव हुआ ना, उसका क्या नाम है? क्या नाम है ना? लूला सिल्वा। मतलब एक ब्राजील के राष्ट्रपति सही है नहीं याद रहेगा हमेशा सुनते जाके कोई पूछने बता के क्या नहीं। चलिए बहुत अच्छा लगा है आप लोगों का सहयोग मिला इसके लिए आप लोग बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग मस्त रहिए खूब पढ़िए खूब लिखिए समय निर्धारित होगा कुछ पता